दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदर राव ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरज पाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 हैं, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवर हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीक के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टि हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य कारण किया और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त में पोस्टमार्टम अति शीघ्र करा के सम्मानपूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोग को विदित है, इस घटना के संबंध में ऑनरेबल PMO द्वारा 2 लाख रुपये की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपये की धनराशि जो मृतक हैं उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तारपूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति जी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदर राव में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में ADG जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु और जोन स्तर के ऊपर भी एक SOG टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जाँच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी SOG टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटना स्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदरा राव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदरा राव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदरा राव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचोरा थाना सिकंदरा राव 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदरा राव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टि हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज़ आपके आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए उन्होंने आपने भी देखा होगा कि उन्होंने उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और
जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे, वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं, इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं उनके ऊपर 1,00,000 की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1,00,000 का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके NBW की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके जस्ट वन, अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर ये महिलाएं सेवादार, ये सेवादार थी। ये बेसिकली एक आप अगर वहाँ पर आप वीडियो भी देखेंगे वहाँ पे तो ये कंपोजिट रूप से वहाँ पे साथ में खड़े रहते हैं। और एक जैसा मैंने बताया वहाँ पर जो भी गाड़ी के पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना, ये उस दिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और भी लोग इनके साथ ही हम लोग कभी पूछताछ में निकल के आए जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गए। FIR पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया ये आज विवेचना का पहला दिन था, जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द विवेचक एंड द फैक्ट्स दैट कम्स इनटू द प्लेस की क्या निकल। देखिए इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोगों को बता चुके हैं और अब क्योंकि इस संदर्भ में जैसा मैंने बताया कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है जो कि ऑनरेबल जस्टिस के, रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी, कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन। मैंने बताया आपको कि अगर विवेचना में किसी का भी रोल निकल के आता है तो ऐसे में किसी का भी जवाब नहीं। नहीं, फोर्स वहाँ पर तैनात की गई थी, वहाँ पर फोर्स की तैनाती थी और इस संदर्भ के अंदर जैसा मैंने बताया माननीय आयोग का गठन हो चुका है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे फायर की पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे सिविल पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे PSC भी तैनात थी।
वन क्लैरिफिकेशन से बात हो रही है, कैसे हुई दिस मानव मंगल सर, दिस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, व्हाट इज द हायरार्की व्हिच दे फॉलो, इज दिस बाबा हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? जो अभी तक जानकारी आई है वही हेड करते हैं, जो अभी तक की जानकारी है। हाँ। मैं अभी तक की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने बताया विवेचना में अगर कोई चीज लेकर अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है, एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है, आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1,00,000 रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका MBW इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैं बता दिया आपको, इन्वेस्टिगेशन ड्यू प्रोसेस। सर आपने कहा कि ये लोग की जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की, सारे लोगों की, ये बाबा कहीं सेवादार है तो फिर सीधे सीधे तो बाबा की जिम्मेदारी बनी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने परमिशन ली थी। जी ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के ही जो इंचार्ज हैं, उस नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का, जो जिनके नाम से परमिशन ली गई ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेद प्रकाश मधुकर, जो वेद प्रकाश मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं, मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है, और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने उम्र में दर्जे पहले की उनका इतिहास बताइए। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने DRS लिया था, और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में, वहाँ पर तैनात थे, वहाँ से इनके द्वारा VRS लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे FIRs हैं क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी हैं, और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है, नहीं है, मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेस एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है, या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है। थैंक यू। दिस इज आप खुद ही कह रहे हैं कि इन लोग की जिम्मेदारी होती थी क्राउड मैनेजमेंट की, कोई नहीं की जिम्मेदारी बाबा की। पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु ही न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो कि इस बारे में तस्दीक करेगा। आयोग शीघ्र यहाँ पर विजिट करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो मैंडेट है उसके अंदर ये भी SOP है कि भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने हैं, क्या समुचित व्यवस्था करनी है। तो मैं ये आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है या नहीं है, इस संदर्भ में माननीय आयोग जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके आधार पर निर्णय लेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।